The reporter desires to know. तो अच्छा इंसान बनने के लिए आपको ये सब करना जरूरी है? खैर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिजाब वाला विवाद जिसकी कंट्रोवर्सी दिन ब दिन अब बढ़ते ही जा रही है। जो मुद्दा या फिर जो विवाद कर्नाटका से शुरू हुआ, अब वो धीरे धीरे हर राज्य तक बढ़ते जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अन्य बाहरी देशों से भी इसके ऊपर टिप्पणियाँ होने लगी है। इससे जुड़ी एक ताज़ा खबर ये है कि हाईकोर्ट में इसकी जो सुनवाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि एक छात्रा में हाल ही में ये मांग की है कि हिजाब से जुड़े जो भी यूनिफॉर्म है उसी क्या मैचिंग कलर का क्या वो हिजाब पहन सकते हैं क्या। अब मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से बताती हूँ कि हिजाब क्या है, नकाब क्या है और बुर्का क्या है। अब हिजाब क्या होता है? हिजाब यानी जहाँ पे सर और बाल ढके हुए होते हैं लेकिन उसमें चेहरा दिखता है। बुर्का जहाँ पे कोई भी औरत या फिर जो महिला है वो सर से लेके पैर तक पूरी ढकी हुई होती है। और नकाब यानी जहाँ पे चेहरा भी ढका हुआ होता है, वो हिजाब के जैसा ही होता है लेकिन उसमें चेहरा भी ढका हुआ होता है। अब इन सब चीज़ों को लेके संविधान क्या कहती है? संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक ये कहा गया है कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने धार्मिक स्वतंत्रता, वो उसके पास अपने धर्म से जुड़े जो भी आचरण है या प्रचार है वो कर सकता है। हर इंसान को धार्मिक परंपरा निभाने की इजाज़त है और धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिली है। लेकिन इसी में आर्टिकल 25A में ये भी साफ किया गया है कि सरकार के पास ये भी अधिकार है कि जब सरकार चाहे तब किसी कारण से इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। हिजाब का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। बेसिकली क्या होता है कि स्कूल या कॉलेजेस ये सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है, और स्कूल और कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होता ही इसलिए है ताकि बच्चे जो है वो जाति धर्म में ना उलझे, या फिर इसके कारण विवाद ना हो, या फिर दो बच्चों इनमें डिफ्रेंशिएट ना कर सके। लेकिन अगर स्कूल कॉलेजेस में ही जाति धर्म से विवाद होंगे तो फिर शिक्षा के मुद्दे पर ध्यान कब दिया जाएगा? बाबरी मस्जिद को लेके आज तक जम के राजनीति हुई और उसके बाद काफ़ी दंगे भी हुए। क्या राजनीति करने के लिए अब ये नया मुद्दा मिल गया है? किसी भी धर्म के लोग हो, फिर वो चाहे कोई भी हो, उनको धर्म का पालन करने से किसी ने नहीं रोका है। ये हम बाहर या फिर घर में भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को स्कूल या कॉलेजेस तक लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी जो बच्चा होता है उसकी जो बौद्धिक प्रगति होती है या फिर समझ या फिर समाज को लेके जो दृष्टिकोण होता है वो स्कूलों में ही विकसित किया जाता है। लेकिन अगर हमारा बच्चा या फिर आने वाली पीढ़ी ये बचपन से ही जाति धर्म में उलझती रहेगी तो वो आगे जाके ऐसे राजनीति के पक्ष में होगा जो धर्म और जाति की राजनीति करता हो, ना कि जो विकास की राजनीति करता हो। क्योंकि हमेशा शिक्षा ये सर्वश्रेष्ठ है। अब ये हमारे और आपके हाथों में है कि हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे बच्चे ये कैसे राजनीति के पक्ष में हो, जाति के या फिर धर्म के। आगे भी ऐसे खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए द रिपोर्टर। द रिपोर्टर डिजायर्स टू नो।